के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये परिवर्तन संकल्प यात्रा नंबर वन जिसको हम कहते हैं, ये 2 तारीख को त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर से गणेश जी के आशीर्वाद से शुरू हुई थी। अब तक 8 जिले, ये 7वें जिले में हम प्रवेश किया है, 6 जिले पूरे कर चुके, 7वें जिले में प्रवेश किया। जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ऐसे स्वागत के कार्यक्रम हुए, ये परिवर्तन संकल्प लगभग 173 स्वागत सभा इसमें दौरान रही, 35 सभाएं अलग अलग स्थानों पर इसकी रही। कुल अब तक 37 विधानसभाओं में, 37 का उसको मिलाकर के, दो को मिलाकर विधानसभाओं में 30 में, ये 30वीं विधानसभा जहाँ यात्रा पहुंची। अब तक 47 8 जिले, ये 7वें जिले में हम 13 जगह और जाए। मैं कह सकता हूँ कि जबरदस्त जन समर्थन स्थान स्थान पर इस यात्रा को मिला है। बाकी माननीय प्रहलाद जी को मैं माइक देता हूँ आपको। चार यात्राएं चल रहा है राजस्थान में, परिवर्तन यात्रा। ये परिवर्तन यात्रा 14th डे पर आज इधर दूधों में पहुंचे हुए हैं। यात्रा में जहां तक जन समर्थन का सवाल है, अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। ये यात्रा करप्शन, क्राइम, लूट के सरकार को परिवर्तन लाने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसे लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में इस यात्रा से और हमारा जो संकल्प है उस संकल्प से जुड़ रहा है। तो ये सरकार, जैसे मैं कहा, लूट जूट और विज्ञापन वाली सरकार है। जब मैं परसों राजस्थान जयपुर पहुंचे, जयपुर से बाहर निकलते हुए मैंने एक होर्डिंग देखा, कांग्रेस फिर से, सभी जगह लगा हुआ है, लेकिन आते ही इस बार ये होर्डिंग देखने को मिला। ये फिर से कांग्रेस का अर्थ क्या है, क्या करने के लिए फिर से कांग्रेस है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को और मुख्यमंत्री को, दलित अत्याचार के लिए फिर से कांग्रेस? टू कंटिन्यू द एट्रोसिटीज अगेन द एससी एंड एसटीज अगेन कांग्रेस? संत महंत पुजारियों के हत्या के लिए फिर से कांग्रेस? छोटी छोटी बच्ची और महिलाओं के दुष्कर्म, गैंगरेप, इसके लिए फिर से कांग्रेस? और एक लाल डायरी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस, फिर से कांग्रेस? पेपर लीक, जिस पेपर लीक में मुख्यमंत्री के द्वारा अपॉइंटेड लोक सेवा, राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य पकड़े गए हैं, वो फिर से पेपर लीक करने के लिए फिर से कांग्रेस? दंगे और तुष्टीकरण के लिए फिर से कांग्रेस? किसानों के लिए धोखा देने के लिए फिर से कांग्रेस? गैंग वॉर के लिए फिर से कांग्रेस? अवैध खनन के लिए
फिर से कांग्रेस और झूठ लूट के लिए फिर से कांग्रेस, किसके लिए फिर से कांग्रेस लिखा है गहलोत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटी छोटी बच्चियों पर और महिलाओं के दुष्कर्म और गैंग रेप में राजस्थान सारे देश में नंबर वन पे है। जब G20 चल रहा था, सारे दुनिया भारत की तरफ देख रहे थे कि भारत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सेक्टर में भारत आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। द वर्ल्ड ऑर्डर इज गेटिंग चेंज। बिफोर टू वर्ल्ड वॉर टू देर वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू देर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर, एंड टुडे द वर्ल्ड ऑर्डर इज इंडिया इज गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, दैट इज द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ टुडे। बट ऐसे भारत में गैंग रेप, अत्याचार, दुष्कर्म सारे देश में नंबर वन है। 16% ऑफ द टोटल क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द वुमन इन द कंट्री इज हैपनिंग इन राजस्थान। 16% के अपराध जो हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, इधर के कैबिनेट मंत्री कहते हैं राजस्थान मर्दों की प्रदेश है, इसलिए गैंग रेप होता रहता है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस लीडर्स को, क्या मर्दों के प्रदेश है तो किसी के ऊपर कोई भी जाके अत्याचार कर सकते हैं? ये संस्कृति है? और वही व्यक्ति बोलते हैं ये जो कुछ भी सुसाइड हो रहा है छोटे छोटे बच्चों का अत्याचार के बाद और किसी कारण जो अपराध हो रहा है उसके कारण, ये बताते हैं इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ये अफेयर के कारण हो रहा है। तो कोई सेंसिटिवनेस भी नहीं है, संवेदना खो गया है, दे हैव लॉस्ट ऑल सेंसिटिवनेस। एंड दीज पीपल आर आस्किंग फिर से कांग्रेस सरकार। दलित अत्याचार में तो मैं पूरा गिनना नहीं चाहता हूं, अभी हाल में कुचमाना में दो दलितों का कुचामन में हत्या हुआ। कांग्रेस के एक एमएलए दलित इंजीनियर के ऊपर जो हमला की थी, अभी तक वो दलित इंजीनियर चल नहीं पा सकते हैं, ऑलमोस्ट बेड रिडन है। और एमएलए को दलित के ऊपर जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है, हमला होता है, देन इट इज एट्रोसिटी के केस हो जाता है, लेकिन इनको जस्ट पुलिस स्टेशन में जमानत दिया गया। एवरी एमएलए इज बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर, दे आर लूटिंग इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। व्हाई दीज क्राइम्स आर बीइंग टेकन प्लेस, ये क्राइम क्यों हो रहा है? इसलिए कि मुख्यमंत्री को कंट्रोल नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल नहीं है। यही सितंबर में लास्ट ईयर जब कांग्रेस का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का मौका था, तब जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उनका नाम सोचा गया था, वो व्यक्ति कांग्रेस के ऊपर विद्रोह किया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुआ। तो
कांग्रेस पार्टी को गहलोत पर कंट्रोल नहीं है और गहलोत को अपने एमएलए और मंत्रियों को पर कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस इज ए पार्टी व्हिच इज डायरेक्शन लेस एंड इट हैज नो कंट्रोल। तो इसीलिए इधर का आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रहे हैं, इधर का कानून सुव्यवस्था भी बिगड़ रही है और संत महंतों का हत्या हो रहा है। जो राजस्थान के लोक सेवा आयोग में चला, 4 बरस 4.5 बरस तक किसी को पकड़ा नहीं गया, नो वन वॉज अरेस्टेड। तो सबको लगा 19 बार पेपर लीक हुआ, 19 बार। तो अभी जब ईडी कार्रवाई करना शुरू किया, ये पूछा था सही ईडी क्यों आया, ईडी का क्या काम क्या है जी? जो अवैध पैसा, इलीगल मनी जब ट्रांजैक्ट होता है, मनी ट्रांजैक्शन होता है, पकड़ने का ही ईडी का काम है। और ईडी हमने रचा नहीं था, ये ईडी कांग्रेस के कालखंड में रचना हुआ है इसका। और ईडी क्यों आया ये प्रश्न पूछते हैं। गरीब गरीब एक व्यक्ति के घर में 10 kg ऑफ गोल्ड पकड़ा जाता है। व्हाट इज हैपनिंग इन राजस्थान? और कांग्रेस का एमएलए माइनिंग मिनिस्टर के ऊपर सीरियस एलिगेशन लगाता है, मुख्यमंत्री असहाय है, he has become helpless। सरकारी दफ्तर में, योजना भवन में, जस्ट नियर टू सीएम्स ऑफिस, ऑफिस में गोल्ड पकड़ा जाता है। गोल्ड वॉज कॉन्फिस्केटेड द ऑफिस ऑफ द योजना भवन। टीचर ट्रांसफर में पैसा, तो एक आरपीएससी मेंबर बोलता है अगर मुझे पकड़ा जाता है तो मैं सबका नाम रिवील कर दूंगा, पुलिस इनको कुछ नहीं करती। माय चार्ज इज डायरेक्टली सीएम एंड हिज मिनिस्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री है, कुछ एमएलए है, दे आर ऑल इन्वॉल्व्ड इन दिस। ये सबसे ऊपर तुष्टीकरण का राजनीति, तुष्टीकरण का राजनीति में कन्हैयालाल का मर्डर पहले ही उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता रहा, फिर भी कुछ प्रिकॉशन नहीं लिया, हत्या हो गया। जो हत्या करते हैं, ऐसे दंगा करते हैं, उन लोगों को लग रहा है जब तक कांग्रेस है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन लोगों को लगता है जब तक कांग्रेस है हमको कोई भी कुछ नहीं कर पाता है, नोबडी कैन टच अस, दिस इज द कॉन्फिडेंस। दीज एंटी सोशल, एंटी नेशनल एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल पीपल आर फीलिंग। तो इसीलिए वो करते ही जा रहे हैं। और इनका इसीलिए ये भी कैसा व्यवहार करता है, हिंदू प्रोसेशन पर कावड़िया लेके हिंदू प्रोसेशन सर बैन, और पीएफआई को, जिस पीएफआई को बाद में हमने सारे देश में इसके ऊपर पाबंदी लगाया, इसके ऊपर निर्बंध लगाया, इस पीएफआई को परमिशन मिलता है, लेकिन जो शांति से धार्मिक
प्रोसेशन बरसों से होता रहा है। ऐसे धार्मिक हिंदू धार्मिक प्रोसेशन के ऊपर बैन करते हैं, तो इसलिए फंडामेंटलिस्ट को, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को लगता है वी आर इन हेवन, हम स्वर्ग में है। राजस्थान हैज बिकम हेवन फॉर द टेररिस्ट फंडामेंटलिस्ट एंड इस्लामिक मूलभाववादी। तो इसीलिए, और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सारे देश में कांग्रेस पार्टी एक नया घोषणा लेके आए, व्हेन दे आर नॉट एबल टू फेस ऑन द मेरिट, भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स लीडर श्री नरेंद्र मोदी, तो जो मन में आता है फ्री, सब कुछ फ्री, इलेक्ट्रिसिटी का फ्री अनाउंस किया है। मैं दो उदाहरण देता हूं आपको, कर्नाटक में अनाउंस किया, अभी लोग रास्ते पे आ रहे, पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और अभी बता रहे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, पावर कट क्यों हो रहा है, बोले तो कर्नाटक के मंत्री का स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो, बारिश नहीं हुआ है। हाइड्रो पावर का परसेंटेज 24-25% है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द हाइड्रो पावर इज जस्ट 25-26%, फिर भी बोलते हैं बारिश नहीं हुआ इसीलिए पावर कट। राजस्थान में भी वही स्थिति है, पावर कट हो रहा है, फ्री बिजली जो बोलते थे वो लोगों को बिजली से फ्री कर दिया। They have made the people who claim that we are going to provide free electricity, they have made the people from electricity free. पेट्रोल और डीजल के लिए हाईएस्ट वैट अगर देश में कहीं है तो राजस्थान में है। That's why बहुत ही कॉस्टली डीजल और पेट्रोल अगर कहीं है तो देश में, वो राजस्थान में है, इसलिए पेट्रोल रिटेल आउटलेट्स वाले, दैट इज पेट्रोल पंप्स जो कॉमनली बोलते हैं, दे आर ऑन स्ट्राइक। इसके अबव ऑल दीज थिंग्स कांग्रेस और इनका जो गमंडिया गठबंधन है, इन लोग क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम सनातन को सर्वनाश करने के लिए संकल्पबद्ध है। तो उदयनिधि स्टालिन जो गए थे कार्यक्रम, वो कार्यक्रम का नाम क्या था, द कॉन्फ्रेंस, वो उधर अंग्रेजी में, तमिलनाडु में हिंदी नहीं चलता है, इसलिए अंग्रेजी में वो कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया था। शीर्षक उसका हेडलाइन, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, इसका अर्थ है सनातन धर्म का सम्मूल नाश। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वी कैनॉट अपोज डेंगू मलेरिया कोरोना, वी हैव टू इरेडिकेट इट, दैट्स हाउ we have to eradicate सनातन धर्म। जैसे हम डेंगू मलेरिया को अपोज करने से कुछ नहीं होता है, उसको सम्मूल नाश करना चाहिए, ऐसे ही सनातन धर्म को भी सम्मूल नाश करना चाहिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया। उधर के एक मंत्री, ये राजा पहले मंत्री थे, वो मंत्री स्टेटमेंट देते हैं, ये घमंडिया इंडी गठबंधन, कुछ लोग इंडिया गठबंधन बोलते हैं, लास्ट नाम जो है I.N.D.I.A जो है ये लास्ट है अलायंस, तो अलायंस डबल डबल नहीं बोल सकते, इसलिए इंडी गठबंधन है।
तो इंडी नहीं, ये घमंडी गठबंधन है। ये घमंडी गठबंधन का पूर्व केंद्रीय मंत्री बोलते हैं ये इंडी गठबंधन अगर हमने शुरू किया है तो वो सनातन धर्म के संपूर्ण नाश के लिए हमने गठबंधन किया, इनका स्टेटमेंट है। और उनके एक मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं हम इसको सर्वनाश करने के लिए संकल्पबद्ध है। अभी तक कांग्रेस पार्टी इसका कंडेम नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र कर्नाटक में स्टेटमेंट दिया है सनातन धर्म रोग के समान है। मिस्टर प्रियंका खड़गे हु इज सिटिंग मिनिस्टर दे, तो इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी को और गहलोत को पूछना चाहता हूं, इसके बारे में आपका कहना क्या है? आपको तो तुष्टिकरण का बहुत ही रुचि है, अभी तक आपने कुछ नहीं बोला। जो वसुधैव कुटुंबकम G20 में हमने सारे दुनिया को परिचय दिलवाया, ये वसुधैव कुटुंबकम श्लोक ये सनातन धर्म के है, सारे दुनिया इसको स्वीकारा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंब का अगर आप अर्थ निकालना चाहते हैं तो दिस इज दी मीनिंग। इसको जब दुनिया स्वीकार किया और भारत के G20 के बारे में इतना अप्रिसिएशन कभी भी नहीं हुआ था, G20 जब से शुरू हुआ इतना व्यवस्थित, इतना क्लियर डायरेक्शन, सही दिशा, सही निर्देश के साथ G20 के बाद, G20 के रचना के बाद पहली बार हुआ। और इस स्लोगन को वसुधैव कुटुंब को दुनिया स्वीकार किया, ये वसुधैव कुटुंब सनातन धर्म का एक श्लोक में आता है। उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम का सनातन धर्म का हर रोज अपमान करने का कांग्रेस पार्टी अभी तक गहलोत जी ने कंडेम नहीं किया है, राहुल गांधी ने कंडेम नहीं किया है। राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट देता है, सेक्युलर पार्टी है, जिस मुस्लिम लीग के कारण कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन में 1500 इनोसेंट लोगों को मारा गया था, उस मुस्लिम लीग को कांग्रेस पार्टी के युवराजा ने सर्टिफिकेट देता है ये सेक्युलर पार्टी। तो इसलिए मैं लोगों को अपील करने आया हूं, ये भ्रष्टाचार, लूट, झूठ के सरकार को परिवर्तन करने का समय आया है। तो ये परिवर्तन के संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी निकल पड़े हैं, लोगों का समर्थन तो अच्छे मिल रहा है। मैं फिर से अपील करता हूं, और 7-8 दिन 22 तक जो है इसमें आप पूरा समर्थन दे दीजिए, मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक स्पष्ट नीति के साथ, और जैसे देश में मोदी जी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है ऐसी ही सरकार हम राजस्थान में देंगे, ये वादा करते हैं। मैं सारे राजस्थान के लोगों से मांग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी का कृपया समर्थन करें, और इस यात्रा में आप भी सहयोग ले, भाग ले, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे दिस इज़ फ्रॉम माई साइड।